हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कोलियस के बारे में। अब कोलियस जिन्होंने सर्दी में लगाए हुए थे, ज्यादातर ये नर्सरीज में आपको सर्दी में ही मिलते हैं, तो इसलिए सब लोग सर्दी में ही खरीद के लाते हैं कोलियस। तो ये जो कोलियस है, ये अब देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अभी इतने बड़े होने के बाद अब ये लेगी होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप ये वाले नीचे वाले मेरे देखिए, ये आपको मैं गमला निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब फर्श आपको गंदा दिखेगा इस टाइम में। ये देखिए, अभी इधर से दिखा दिया, ये इधर से देखिए आप कैसे लेगी होना शुरू हो गए हैं, लंबे लंबे होना शुरू हो गए हैं। और अब ये पौधा बिल्कुल मेच्योरिटी पे आ रहा है और धीरे धीरे इसकी ये डंडियाँ और मोटी होके ब्रिटल होके टूटने लग जाएंगी। और इस टाइम अगर आपने इसको नहीं बचाया ना नेक्स्ट उसके लिए, अगले सीजन के लिए, या अगले इसकी जो लाइफ है वो एक साल मतलब एक सीजन या मैक्सिमम दो सीजन होती है, उसके बाद अगर आपको इसको पूरा साल चलाना है तो अब टाइम आ गया है कि अब आप इसको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा या इसमें अब हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि ये जो पौधा है हमारा आगे चलता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए। हाँ, आपको ये चीज़ जो है थोड़ी सी लगेगी कि अच्छा खासा पौधा है और इसको आप छेड़ रहे हो। ये देखिए इस टाइम ये कितना अच्छा पौधा है। अगर आपका इतना अभी इतना भी चल रहा है और आप सोच रहे हैं नहीं करें, तो थोड़े दिन और चल सकता है ये 10-1 दिन। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा देखिए, आपको बताती हूँ। अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इस पौधे को हटा देती हूँ मैं। ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो बस ये पौधा मैच्योर होके गिर के खराब हो जाएगा और फिर आप कहोगे कि कोलियस हमारा सारा साल नहीं चलता। आपने देखा होगा कि मेरे गार्डन में आपको कोलियस करीब करीब, हाँ करीब क्यों, 12 महीने ही मिलते हैं। मेरे को बहुत टाइम हो गया कोलियस, कोई नया ही डिज़ाइन होता है तो मैं खरीद के लाती हूँ। बाकी ये देखिए, अब ये कितना रूट बाउंड है देखिए, ये देखिए, मतलब अब इसकी जो है वो लाइफ हो गई है पूरी। देखने में अभी हमें ये इतना नहीं फील हो रहा था, अब इसकी लाइफ हो गई है पूरी। अब देखिए, इसकी मिट्टी को मैं निकाल लूंगी, जड़ें हटा लूंगी। सारी देखिए, ये मिट्टी इतनी इजीली क्यों निकल रही है, क्योंकि मैं मिट्टी में रिवर सैंड बहुत डालती हूँ। देखिए ये मिट्टी गीली है लेकिन फिर भी कितनी देखिए चिपकी हुई नहीं है, क्योंकि इसमें रिवर सैंड है। अब क्या है, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी है इसलिए अब आप इसमें थोड़ी सी खाद डाल सकते हैं। अभी इस टाइम मेरे पास खाद अवेलेबल नहीं है और मेरे को वीडियो बनानी है, तो मैं अभी नहीं है, मैं बाद में डाल दूंगी, कल परसों, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर उस टाइम अवेलेबल नहीं हो तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। बस इसको ये लिया मैंने, और अगर आपको नया पॉटिंग मिक्स बनाना है तो एक एक हिस्सा सब ले लीजिए, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड। ये देखिए, इसको भी डाल लेते हैं अपन इसी में। ये जो नीचे गिर गई है ये सारी ऐसे ले लेते हैं और इसमें ऐसे डाल देते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या करना है कि ये जो है ना इसकी कटिंग्स लगा देंगे हम। ये देखिए, ये तो मैंने बहुत पतली कटिंग लगाई है, ये भी लग जाएगी। और थोड़ी सी ठीक कटिंग ले लेते हैं। ये देखिए, बस अब इसको हमने, अगर आपने अभी इसको कटिंग से नहीं लगाया तो बस फिर अगर उसी पौधे को आपने लेगी और मैच्योर होने दिया तो फिर बाद में आपका जो है अच्छा सा पौधा तैयार नहीं होगा। अब इससे आप कितने भी अपने गमले तैयार कर सकते हैं, या कोई एक गमले में खूब सारी कटिंग लगा लें और जब उनमें रूटिंग हो जाए तो उन्हें शिफ्ट कर दें। जैसे बाजार वाले आपको इतनी इतनी सी कटिंग जो है, कोलियस की कटिंग 60 रुपये की, 100 रुपये तक की मिलती है, थोड़ा सा बड़ी हो जाए कटिंग तो। तो ये देखिए, इसको अब हमने ऐसे करके फिंगर से होल किया, कटिंग को प्लेस किया। और आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें मैं कोई रूटिंग हार्मोन नहीं लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। और पत्ते जो है ना
वो जो बड़े बड़े पत्ते हैं नीचे के वो आप हटा दें, थोड़े थोड़े दो दो तीन तीन पत्ते रहने दें और बाकी ऐसे हटा दें। ये देखिए कोई भी जो आप कटिंग लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरली दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने ये कटिंग ली, इसके नीचे के ये पत्ते हटाए, ये हटाए। अब मैं इसको इतना इतना, ये देखिए ये जो एक नोड पोर्शन है ये जरूर जाना चाहिए, यहाँ से जड़ें निकलेंगी। तो इसको एक्चुअली जड़ें क्या है, ये निकलेंगी इसके नीचे से हल्की सी जो जगह होती है ना, यहाँ तक। ये देखिए ये जो नोड होता है ना, ये नोड जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसके बिल्कुल नीचे से, यहाँ पे रूटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा होते हैं। इस जगह से जड़ें बहुत जल्दी निकलती हैं। तो नोड से थोड़ा सा नीचे से आप इसको शार्प नाइफ से कट कर लें और फिर इसको कटिंग को इतना अंदर डाल, एक और नोड लेते हुए पूरा इतना अंदर मैं होल करूँगी देखिए, और इसको ऐसे जेंटली प्लेस करके और ऐसे इस तरह से इसकी ये कटिंग जो है वो लग जाएंगी। अब ये कटिंग्स लग गई हैं, अब ये थोड़े दिनों में दोबारा से पौधा हो जाएगा और मेरा पौधा मरने से बच गया, मैंने उसे रिवाइव कर लिया, अगेन प्रोपेगेट कर लिया है ना। नहीं करती तो उसकी एज पूरी हो गई थी और वो पौधे उसकी टूटती जाती ब्रांचेस, और धीरे धीरे मेरा प्लांट, ये देखिए ये भी नो से थोड़ा नीचे से तोड़ा है मैंने और होल किया, और इसको एक तो वो नोड हो गई, एक उससे ऊपर की जो गांठ है, दो गांठों तक इसको अंदर प्रेस कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा गहरा प्लेस करने से क्या होता है, मजबूत सी से होल्ड कर लेता है पौधा, इतना अंदर तक होगा ना तो अच्छी तरह से होल्ड करेगा जब वो बड़ा होगा। कम डालेंगे आप उसके अंदर तो वो ऐसे गिरने के चांस रहते हैं आपके पौधे के। तो ये चीज़ अब ऐसे, ये तरीका है जो आप गर्मियों के लिए अपने कोलियस को सेव करके इस तरह से रखिए ताकि गर्मियों में मरे नहीं। तो मैं अभी मेरे जितने कोलियस हैं यही करने वाली हूँ उनके साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।